गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब हम बनाने लगे हैं रायता। तो रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट के साथ ये ज़ीरा। उसके बाद हम ऐड करेंगे ये अनियन और ये ग्रीन कोरिएंडर। ऐड करेंगे इसमें खीरा, ये एक कटा हुआ खीरा है। वैसे तो आप मर्ज़ी के मुताबिक इसमें वाइट बॉयल चने भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके टेस्ट के मुताबिक आप इसे जिस तरह भी बनाएं। लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, जिस तरीके से मैं बनाती होती हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ। अच्छा, जो दही है, दही की स्पेशलिटी ये है कि ये दही हम लोग खुद घर में बनाते हैं। मैं खुद बनाती हूँ मिट्टी के बर्तन में। तो एक तो इसका टेस्ट बाहर जैसा नहीं होता और अच्छा और डिफरेंट टेस्ट होता है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो उसके बाद गाइस हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप लोग लेमन ऐड करें या ना करें, लेकिन मुझे रायते में लेमन का टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं ऐड करती हूँ। थोड़ा रायता खट्टा सा हो जाता है और खाते हुए ये टेस्टी लगता है। ये ऐड कर लिया हमने। अगर आपको लगे कि दही हमारी गाढ़ी है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, उसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं इस तरीके। उसके बाद इसको फ्रिज में रखें 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए। तो ठंडे रायते का टेस्ट ही अलग होता है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा। और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। पुदीना भी चॉइस है, आप इसमें ऑप्शन है इसका कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वाइट चने भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा रायता हो गया रेडी। तो हम इसको 2-3 मिनट के लिए, बल्कि 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे फ्रिज में। ठंडा होने के बाद हम इसको राइस के साथ खाएंगे। आई होप आपको मेरा रायता अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो पे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल का लिंक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।